कांग्रेस देश को चाहे कितना भी राफेल के खेल में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन देश में आए बदलाव की जो सच्चाई है वो अब खुद ब खुद बोल रही है। देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक और मजबूत सबूत दिया है दूर संचार के क्षेत्र में हुए विदेशी निवेश के आंकड़ों ने। मोदी सरकार की इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कोशिशों का ये नतीजा है कि महज 3 सालों में ही टेलीकॉम सेक्टर में FDI 5 गुना बढ़ गया है। साल 2015-16 में ये $1.3 अरब था, जो 2017-18 में बढ़कर $6.2 अरब हो गया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने नई दूर संचार नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का नाम दिया गया है। इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर में 2022 तक FDI को $100 अरब तक पहुंचाने और 40 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक भारत में दूसरे देशों की तरह 5G सेवाओं की शुरुआत का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को बढ़ाने और इसके मैक्सिमम इस्तेमाल का भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस नई नीति के तहत हर नागरिक को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाला ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार की कोशिशों से आज देश का टेलीकॉम सेक्टर नई इबारतें लिख रहा है।